Today we are going to discuss about the pollution. What is pollution? If we go to the origin of the word of the pollution, the word pollution is derived from the Latin word that is pollunium, which means to make dirty. So Latin mein kisi bhi cheez ko dirty agar karna ho, that Latin jo hai ancient world ki language hai, to wahi se derive hua hai pollution word. However, it is not initially used in reference to the environment. Starting mein jab ye word aaya tha to ye environment ka reference mein use nahi hota tha. To basically jab ye in general jab ab ye jo environment mein ye jo word use ho gaya, iska matlab hai it refers to the presence of harmful and undesirable jo constituents hai in our environment, chahe wo components of environment जो होते हैं, चाहे physical हो, biological हो और chemical हो. तो जैसे physical components means temperature जो होता है, अगर temperature increase हो गया किसी भी environmental condition में, चाहे water में, air में या और भी किसी type of sphere में, अगर temperature increase हो गया, that will be called a thermal pollution. तो ये एक physical type of pollution है. Likewise इसमें जैसे वाटर में पोल्यूशन इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ सर्टन पैरामीटर्स, चाहे वो पीएच हो, डिसॉल्वड साल्ट्स हो, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हो जो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स की वजह से होता है, एंड वेरियस अदर वैसे ही बायोलॉजिकल जो पोल्यूटेंट पैथोजेंस वगैरह होते हैं एयर एंड वाटर. टू सम of the environmentalist, polluting the environment can feel an awful lot of like polluting our souls. Means ki ek environment ka jo kuch log hote hai, they are well connected with the environment, not physically or biologically but also mentally, culturally and socially kisi bhi environment ke sath connected hote hai. Agar wo type of environment pollute hota hai, then they feel that soul, their souls have been polluted by certain kind of undesirable change in chemical, physical or biological properties of the environmental constituents like air, water, soil, jiske bahut sare adverse effects hote hai on plants and animals and also on human beings. So ye tha ki word pollution kahan se aaya, but agar hum dekhenge ki pollution ka source kya hota hai, what are the sources of pollution based on कि pollution कैसे discharge होता है in our physical environment, physical or biological environment, they can be categorized as point source or as non-point source pollutants. सो आई वाज सेइंग कि पोल्यूटेंट्स को बेस्ड ऑन द ओरिजिन कहाँ से या डिस्चार्ज के बेसिस पे जो एनवायरनमेंट में चले जाते हैं, दैट कैन बी कॉल्ड पॉइंट सोर्स एंड नॉन पॉइंट सोर्स. अब पॉइंट सोर्स एक वो पोल्यूटेंट होता है जो एयर में जाता है, वाटर में या कोई अदर जो टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट है जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ईजिली एक पर्टिकुलर पाथवे से या एक पर्टिकुलर आउटलेट से वो एनवायरनमेंट में चला जाता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पिक्चर आप देख रहे हैं, ये वाली, ये एक वाटर बॉडी है जिसमें किसी और से गंदा पानी आ रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो एक पॉइंट सोर्स है. इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर जगह से आ रहा है. तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं, ज्वाइन नहीं हो रहा है, पहले मैं एडमिट करता हूँ. तो ये है पॉइंट सोर्स कि जिसको हम एक पर्टिकुलर लोकेशन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चाहे हमारे रिवर्स लेक्स में जो गंदा पानी जाता है फ्रॉम ड्रेन से
उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको हम इजीली मैनेज कर सकते हैं, मींस ट्रीट कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे एयर में पोल्यूटेंट जाते हैं चिमनी से, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है वहाँ से धुआं निकलता है, गैसेस निकलती है, तो उसको हम वहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वी कैन मैनेज दैट। तो सेकंड जो टाइप होता है वो होता है नॉन पॉइंट सोर्स। नॉन पॉइंट सोर्स होता है जिसको हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। पोल्यूशन इन टर्म्स यूज डिस्क्राइब पोल्यूशन रिजल्टिंग फ्रॉम मेनी डिफ्यूज्ड काइंड ऑफ सोर्स होता है। मीन्स कि जैसे हमने किसी पैडी फील्ड में पेस्टिसाइड्स लगाए, फर्टिलाइजर्स लगाए फॉर एग्जांपल, और बारिश हो गई, तो बारिश के बाद जिसमें वो ओवरफ्लो होता है पानी का, वो बह जाता है एंड देन इट गोज़ टू रिसीविंग वाटर बॉडीज। उसके डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो हो सकते हैं इनलेट्स, वो कहाँ से जाएगा किसी भी वाटर बॉडी में, वो हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, वो बहुत ही डिफ्यूज्ड होता है। तो इसमें बेसिकली जैसे लैंड रन ऑफ जो मैं कह रहा था, किसी भी लैंड से पानी बह जाता है, प्रेसिपिटेशन से बारिश होती है, एटमॉस्फेरिक डिपोजिशंस होते हैं, जैसे एसिड रेन होता है। एसिड रेन दो टाइप्स के होते हैं, वेट डिपोजिशन, ड्राई डिपोजिशन। अगर वेट होगा मीन्स विद रेनफॉल, अगर ड्राई होगा पार्टिकुलेट मैटर्स वगैरह डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कहाँ से आया, कितना आया, एंड वी कैन नॉट मैनेज दैट। ड्रेनेज, सीपेज, सीपेज होता है अगर भी किसी भी ड्रेन में पानी होता है, वो उसके जो वॉल्स होते हैं या बॉटम्स होते हैं वहाँ से वो जो है ग्राउंड वाटर में चला जाता है, सिर चुका सा वो नीचे चला जाता है खुद। तो ऐसे ही जो है ये पॉइंट सोर्स, नॉन पॉइंट सोर्स हर किसी टाइप ऑफ पोल्यूटेंट के लिए हो सकते हैं, चाहे एयर के लिए। अब एयर में कैसे हो सकता है, फॉर एग्जांपल आप नाइट्रस ऑक्साइड एक पोल्यूटेंट है, हमने पैडी फील्ड्स में या खेत में हम लगाते हैं ये फर्टिलाइजर्स वगैरह, वो डिनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस की वजह से वो कन्वर्ट होता है नाइट्रस ऑक्साइड, वो चला जाता है हवा में, तो हम इसको इजीली मैनेज नहीं कर सकते। ऐसी बहुत सारे एग्जांपल्स है। तो यहाँ पे एक पिक्चर है, एक डिफ्यूज्ड सोर्स क्या हो सकता है। ऐसे ही बहुत सारे जो हो सकते हैं ये लोकेशंस जहाँ से ये पानी किसी भी रिसीविंग वाटर बॉडी में जा सकता है, बट यहाँ पे एक पर्टिकुलर आउटलेट से किसी भी वाटर बॉडी में, या अगर यहाँ चुन्नी वगैरह है तो उसकी जरिए हवा में जा सकता है गंदगी। टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स, अब बेस्ड ऑन नेचर कि एक पोल्यूटेंट का नेचर किस टाइप का है, दे कैन बी कैटेगराइज्ड एज प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। अब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या होता है कि जैसे वो किसी भी सोर्स से निकलते हैं, वो अपनी फॉर्म या अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं करते, वो रिएक्शन नहीं करते। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है किसी भी सोर्स से, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है बाय द बर्निंग ऑफ द कोल। यूजुअली सल्फर डाइऑक्साइड कोल की बर्निंग से निकलता है, तो ये जब हवा में चला जाता है इट गेट्स मिक्स्ड विद रेन वाटर एंड ये डिपॉजिट हो जाता है ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ एज एन एसिड रेन। तो इसकी फॉर्म चेंज नहीं होती, रिएक्शन नहीं करता है किसी और गैस से या पोल्यूटेंट से, तो मीन्स दे कीप देयर आइडेंटिटी आइडेंटिकल, वो चेंज नहीं होती है। तो इरेस्पेक्ट ऑफ दैट द सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स दे प्राइमरी पोल्यूटेंट जब मॉडिफाई होते हैं, रिएक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सर्टन प्रिकर्सर्स, जैसे सनलाइट हो सकती है या कोई भी ऐसी सरफेस जिसमें पीएच कंडीशंस कंजीनियल हो सकती है उनके लिए, तो वो पोल्यूटेंट्स चेंज होते हैं इन अदर फॉर्म्स। फॉर एग्जांपल नाइट्रस ऑक्साइड हाइड्रोकार्बन्स रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं फोटोकेमिकली, मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट नाइट्रस ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स जो है वो ओजोन बना सकते हैं। वैसे ही अल्डिहाइड्स और ओजोन बना सकते हैं, अल्डिहाइड्स बना सकते हैं, पर ऑक्सीस्टाइल नाइट्रेट बना सकते हैं। इफ़ यू आर आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इज ओजोन ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट और प्राइमरी पोल्यूटेंट, तो आपको आंसर लिखना है ओजोन इज ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट। जो भी पर्टिकुलरली इन समर्स पोल्यूशन
दोपहर के टाइम 5 से 12 से 2 बजे के आसपास जो भी सिग्नल्स होती है, बड़े बड़े जो भी हैवी ट्रैफिक रोड्स होते हैं जहाँ पे धुआं निकलता है गाड़ियों से, हाइड्रोकार्बन्स निकलता है, वो रिएक्ट करता है विद नाइट्रस ऑक्साइड एंड वो बनाता है ओजोन। तो जो भी सिग्नल्स होते हैं वहाँ पे ओजोन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है क्योंकि सनलाइट इसके लिए जो है प्रिकर्सर है, सनलाइट से वो रिएक्ट करते हैं आपस में। वैसे ही जैसे स्मोग वगैरह बनता है, दिस इज़ ऑल्सो ए सेकेंडरी काइंड ऑफ पोल्यूटर। तो इस टाइप के एग्जाम्पल क्वेश्चन आ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ सेकेंडरी प्राइमरी पोल्यूटेंट। अब यहाँ पे कुछ पोल्यूटेंट्स प्राइमरी पोल्यूटेंट भी है एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट भी है, जैसे ओजोन। ओजोन इज प्राइमरी पोल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट बिकॉज ओजोन इज ऑल्सो फॉर्म फ्रॉम सम ऑफ द सोर्सेज डायरेक्टली। तो यहाँ पे जो भी टाइप क्वेश्चंस है उसकी ऑप्शंस होंगी तो उसके हिसाब से आपको उसका आंसर करना पड़ेगा। देन सेकेंड कैटेगरी इज द टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स बेस्ड ऑन देयर डिग्रेडेबिलिटी। वो जब एनवायरनमेंट में रिलीज होते हैं वो उनकी रेट ऑफ डिग्रेडेशन कैसी है, डिग्रेड होते हैं कि नहीं होते हैं, दैट दे आर कैटेगराइज एज डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स एंड नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। तो डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स यूजुअली जो है हार्मलेस होते हैं, कोई भी ऐसा पोल्यूटेंट जो निकलता है इन द एनवायरनमेंट वो जो डिग्रेड होता है, डिकम्पोज होता है बाय बैक्टीरिया और फंजाई एक्टिनोमाइसिट से डिकम्पोज हो जाता है और उसको कन्वर्ट करता है इन लेस हार्मफुल काइंड ऑफ जो है फॉर्म में उसको कन्वर्ट करता है, तो उसको डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स कह सकते हैं। बट नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहे वो केमिकली, बायोलॉजिकली या फिजिकली उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको मीन्स कि वो डिग्रेड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक की आजकल बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, पर्टिकुलरली इन वाटर बॉडीज। माइक्रो प्लास्टिक छोटे प्लास्टिक जो आँख से भी नज़र नहीं आते, दे आर प्रेजेंट इन द वाटर। तो जो भी उस टाइप ऑफ एनवायरनमेंट में प्लांट प्लांट्स नहीं एनिमल्स जो ग्रो होते हैं दे कैन सफ़र फ्रॉम दैट प्लास्टिक। अगर आप पॉलीथीन को भी रखोगे 1,000 2,000 साल भी रखोगे उसको ज़मीन के नीचे, दैट विल बी स्टिल सेम बिकॉज वो डिग्रेड नहीं होता है। बट साइंस इज़ प्रोग्रेसिंग डे बाई डे, दे आर आइडेंटिफाइंग, साइंटिस्ट आर आइडेंटिफाइंग सम काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे कैन डिग्रेड ऑल्सो द प्लास्टिक। तो ये था टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। अब जो है पोल्यूशन जो हो सकता है दैट कैन बी नेचुरल एज वेल एज एंथ्रोपोजन। कोई भी एक्टिविटी जो भी हमारे फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल एनवायरनमेंट को चेंज करती है, दे कैन बी ऑरिजिन बी कैन बी बेस्ड ऑन देयर ऑरिजिन, इट कैन बी एंथ्रोपोजेनिक, इट कैन बी नेचुरल। तो नेचुरल पोल्यूटेंट्स क्या हो सकते हैं, जैसे वाइल्ड फायर्स होते हैं नॉर्मली लाइटनिंग की वजह से, या ट्रीज़ की जो है फ्रिक्शन की वजह से। जब भी कोई भी घना फॉरेस्ट होता है, डेंस फॉरेस्ट होता है, उसमें विंड्स की वजह से ट्रीज़ के ट्रंक्स या ब्रांच आपस में वो रगड़ते हैं आपस में, तो उस फ्रिक्शन की वजह से हीट जो जनरेट होती है तो उसकी वजह से फायर हो सकते हैं, वाइल्ड फायर्स हो सकते हैं। उसके अलावा जो है लाइटिंग की वजह से हो सकता है, तो फॉरेस्ट फायर से बहुत सारा जो है धुआं निकलता है, इट डिस्ट्रॉयज होल इकोसिस्टम। और उसके अलावा वॉल्केनिक इरप्शंस जो नेचुरली होते हैं, लैंडस्लाइड्स होती है, इसकी वजह से भी पोल्यूशन हो सकता है। बट दीज काइंड्स ऑफ पोल्यूशंस आर वेरी लिमिटेड, उसमें नेचर में उसका एक प्रोविजन होता है कि वो उसको खुद चेंज करता है। कैसे दिस काइंड ऑफ जो पोल्यूटेंट्स, दिस आर पार्ट ऑफ सक्सेशन, सेकेंडरी एंड प्राइमरी सक्सेशन, बिकॉज किसी भी टाइप ऑफ नेचर ने ऐसा फीडबैक मैकेनिज्म रखा है, अगर भी किसी भी जगह कोई ऐसा चेंज लानी होती है तो नेचर ने इसको उस तरीके से चेंज करना होता है। जैसे फॉरेस्ट, वो पूरी कम्युनिटी वाइप आउट होती है, वहाँ से दूसरी कम्युनिटी आती है, तो ये उतना इम्पैक्ट नहीं देता है टोटल एनवायरनमेंट। बट जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ है, फॉर एग्जाम्पल जो भी हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं, नेचुरल रिसोर्स को निकालते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, स्मोकिंग, स्टोन क्रशिंग, फॉसिल फ्यूल बर्निंग, ये सब जो है एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ पोल्यूशन है। दे क्रिएट मैनी टाइप्स ऑफ
डिफरेंट जो है टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट्स, जैसे अगर एटमॉस्फेयर में पोल्यूटेंट करेंगे दैट इट विल बी कॉल्ड एन एयर पोल्यूशन, अगर हाइड्रोस्फीयर में करेंगे दैट विल कॉल्ड वाटर पोल्यूशन, अगर सॉयल में करेंगे सॉयल पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन भी होता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द टेम्परेचर, एंड मैरीन पोल्यूशन इन बेसिकली इन द ओशंस, नॉइज पोल्यूशन जो साउंड वगैरह होता है पर्टिकुलरली इन सिटीज एंड इन इंडस्ट्रियल एरियाज, कि वहाँ पे लेवल ऑफ नॉइज कितना होगा. एंड लेटेस्ट वन इज अ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, तो ये लोकलाइज्ड होता है. अब इसमें ये वाला जो ये जो पहले तीन है दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो एयर पोल्यूशन जो होता है दिस इज ग्लोबल कंसर्न, जो भी हमारा किसी भी कंट्री से कोई भी पोल्यूशन निकलेगा, इट माइट बी कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और भी पार्टिकुलेट मैटर, बहुत टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स है. तो ये डिफ्यूज होते हैं इन सराउंडिंग एनवायरनमेंट और ये फैल जाते हैं टू अदर कंट्रीज ऑल्सो, दैट मेक्स इट अ ग्लोबल कंसर्न. ठीक है, तो ये पूरे डिफरेंट कंट्रीज, चाहे फॉर एग्जाम्पल किसी भी कंट्री में अगर फॉरेस्ट बर्निंग ज़्यादा हो रही है देन लोग अदर कंट्रीज विल बी ऑल्सो इम्पैक्टेड. तो ये एक ग्लोबल कंसर्न है, एयर पोल्यूशन इज अ ग्लोबल कंसर्न. देन वाटर पोल्यूशन, इट इज़ अ रीजनल कंसर्न. वाटर पोल्यूशन एक रीजनल कंसर्न क्यों है, क्योंकि वाटर उतना कनेक्टेड, फॉर एग्जाम्पल कश्मीर में अगर पोल्यूशन होगा दैट पोल्यूशन विल ट्रैवल टू द जम्मू फॉर एग्जाम्पल, या फिर पाकिस्तान चला जाएगा, मीन्स एक रीजन में, एक सब कॉन्टिनेंट में ये प्रॉब्लम है, या चाहे कोई भी अपर कैचमेंट एरिया में पोल्यूशन हो जाएगा तो लोअर कैचमेंट एरियाज में उसका जो है इम्पैक्ट, मीन्स इट इज़ अ रीजनल प्रॉब्लम. एयर पोल्यूशन इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, वाटर पोल्यूशन इज अ रीजनल प्रॉब्लम, एंड सॉइल पोल्यूशन इज अ लोकल प्रॉब्लम. सॉइल पोल्यूशन मीन्स कि किसी भी मोहल्ले में कोई भी सॉइल पोल्यूशन की वजह हो सकती है, चाहे वो गंदा पानी है या कोई सॉलिड वेस्ट हमने वहाँ पे डंप किया है, दैट कैन बी द सोर्स ऑफ द सॉइल पोल्यूशन. तो ये तीन इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में. एयर पोल्यूशन इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, वाटर पोल्यूशन इज अ रीजनल प्रॉब्लम, एंड सॉइल पोल्यूशन इज अ लोकल प्रॉब्लम. उसके अलावा ये वाले जो अदर पोल्यूशंस है दीज आर नॉट दैट वाइड स्प्रेड, ये लोकलाइज्ड किसी एरिया में हो सकते हैं, रेडियो एक्टिव नॉइस पोल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, कहाँ कितने लोग रहते हैं, व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज दे आर डूइंग, तो उसके बेसिस पे हम ये बता सकते हैं. तो यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन अबाउट पोल्यूशन ख़त्म होता है. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ पोल्यूशन. फॉर एग्जांपल एयर पोल्यूशन हम पहले डिस्कस करते हैं. तो एयर पोल्यूशन क्या होता है, तो एयर इज एसेंशियल फॉर लाइफ. क्यों एसेंशियल फॉर लाइफ होता है, फॉर एग्जांपल प्लांट्स वो है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सबके लिए एयर इज़ वेरी एसेंशियल. वी कैन नॉट लिव मोर देन 5 मिनट्स इफ एयर इज वैनिश्ड. एयर में क्या होता है, एयर में होता है ऑक्सीजन 21%, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रेस्पिरेशन ऑफ आर एनिमल्स, प्लांट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. एंड इट इज़ एन एक कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका एक फिजिकल एनवायरनमेंट जो उसका सराउंडिंग है दैट इज़ ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ द एटमोसफियर. तो उसके अलावा हमने पहली क्लास में भी पढ़ा है कि एटमोसफियर के जो डिस्टिंक्ट चार जो लेयर्स है, फॉर एग्जांपल ट्रोपोस्फियर लोअर जिसमें जितनी भी वेदर कंडीशंस होती हैं, देन स्ट्रेटोस्फियर जिसमें ओजोन होता है, देन मीजोस्फियर एंड थर्मोस्फियर. अब इन सारे ये जो एयर है इसका क्या इम्पोर्टेंट रोल है. फॉर एग्जांपल नेक्स्ट जो स्लाइड है दैट इज अबाउट द पोल्यूशन. अब एयर पोल्यूशन पे अगर हम डिस्कस करेंगे, नॉर्मली ये स्लाइड पहले आनी चाहिए थी. तो नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है, दैट आर नाइट्रोजन इज 78.1% एंड ऑक्सीजन इज अराउंड 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लिटरेचर, बट राइट नाउ इट इज 0.04%. एंड अनदर गैसेस लाइक उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, वाटर वेपर्स, दैट काउंट्स अराउंड 0.04%. उसके अलावा अदर गैसेस जैसे क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, अर्गन, हीलियम, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये भी वेरी करते हैं, बट
these three are more important. नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मली इस कंसंट्रेशन में अवेलेबल होते हैं एयर में, बट अगर कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट चेंज किसी भी इसके अलावा कोई भी अदर कॉन्स्टिट्यूएंट हवा में आ जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड पोल्यूटेंट. तो दैट कैन बी हार्मफुल फॉर द ह्यूमन लाइफ, वेजिटेशन, एनिमल्स एंड ओवरऑल फॉर द एनवायरमेंट. अब ये सबस्टेंसेस किस टाइप के हो सकते हैं, आई मीन टू से द एयर पोल्यूटेंट्स, दे कैन बी द फ्लाई ऐश. फ्लाई ऐश क्या होता है, जब भी हम कोल वगैरह बर्न करते हैं तो कोल बर्न के साथ वो जब कोल बर्न होता है उसमें ऐश पर सूअर छुआना है तो वो हवा में आ जाता है पार्टिकुलेट मैटर की सूरत में. दैट कैन बी पार्टिकुलेट मैटर विद अ डायमीटर ऑफ 2.5 मिलीमीटर्स और 10 मिलीमीटर्स. तो ये हमारे नेजल ट्रैक्ट्स में, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ जाता है, इट कैन काज वेरियस प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स. देन इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स लाइक ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन. तो सल्फर के ऑक्साइड्स डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकते हैं, जिसको सॉक्स बोलते हैं, SOX, सॉक्स. एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो सकते हैं, दैट कैन बी नाइट्रस ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड. तो उसको नॉक्स बोलते हैं, NOX, नॉक्स. दैट इट कैन बी ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ नॉइस, हवा में ही आता है, नॉइस ट्रैवल होता है, वैक्यूम में तो नहीं होता है. देन इट कैन बी ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ हीट, जो हम आगे बताएंगे कि थर्मल इन्वर्शन क्या होता है हीट की वजह से. तो एयर पोल्यूशन कंसिस्टेंस ऑफ ऑल लिक्विड गैसेस एंड सॉल्ट प्रेजेंट इन द एटमोसफियर. जो भी हार्मफुल लेवल है, थ्रेश होल्ड होता है किसी भी पोल्यूटेंट का, अगर उस थ्रेश होल्ड से उसकी कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो गई, दैट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर द, वी आर मोर कंसर्न अबाउट ह्यूमंस देन द प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स. तो पहले ही ह्यूमंस पे ही हम उसका जो इम्पैक्ट मेजर करते हैं, तो उसके लिए फिर हम जो थ्रेश होल्ड कंसंट्रेशन किस लेवल की होनी चाहिए वो फिर हम नोटिफाई करते हैं. डिफरेंट एजेंसीज हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया की अपनी जो है क्राइटेरियाज है पोल्यूटेंट्स के किस कंसंट्रेशन में होनी चाहिए हवा में. एंड WHO की अलग है, USA की अलग है, अलग अलग कंट्रीज ने अलग अलग अपने हिसाब से रिलैक्सेशन के हिसाब से बनाए हैं. तो देखो यहाँ पे पिक्चर में भी जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं डायरेक्टली नेजल ट्रैक में चले जाएंगे एंड देन इट कैन कॉज वेरियस इम्पैक्ट्स ऑन द हेल्थ. नाउ जो एयर पोल्यूटेंट्स है ये बहुत टाइप्स के हो सकते हैं. यहाँ पे एक डायग्राम में दिखाया गया है कि एयर पोल्यूटेंट्स इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जो पर्टिकुलरली निकलते हैं फ्रॉम द व्हीकल पोल्यूशन. कैन बी कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड. तो ये दो मिला के सॉक्स बनाते हैं, SOX. देन हाइड्रोजन भी हो सकता है पोल्यूटेंट. देन नॉक्स, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड पार्टिकुलेट मैटर 10. देन लेड, जिंक, मर्करी, क्रोमियम एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड स्मोक. तो ये जितने भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं पोल्यूटेंट्स, दे आर द वेरी हार्मफुल इफ देयर कंसंट्रेशन इज मोर देन थ्रेशहोल्ड. अलग अलग पोल्यूटेंट्स के अलग अलग इम्पैक्ट्स हैं, तो वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. तो अब सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं. तो पहले ही हमने सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन में दो कैटेगरीज में डिस्कस किया था, पॉइंट सोर्स एंड नॉन पॉइंट सोर्स हो सकते हैं, एंड देन दे कैन बी प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स एंड ऑल्सो नेचुरल. और उसके अलावा जितने भी पोल्यूटेंट ज़्यादा निकलते हैं, दे निकलते हैं दे कम इन टू द एटमोसफियर बाय एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेसेस. तो कार्बन मोनोक्साइड की बात करते हैं यहाँ पे. इट इज सोर्स इज कार्बन डाइऑक्साइड का जो सोर्स है दैट इज मेनली द बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स. जो बर्निंग होती है किसी भी क्या बोलते हैं उसको, चाहे बायोमास है, कोल है, तो उसकी वजह से भी फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग की वजह से भी निकलता है कार्बन मोनोक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर. तो ये इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट है
ये ब्लड के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो इसकी जो एफिनिटी है, टेंडेंसी टू मेक द बॉन्ड विद हीमोग्लोबिन इज मोर देन 200 टाइम्स देन द एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। मीन्स कि जितना ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होता है या रिएक्ट करता है, उससे 200 टाइम्स ज़्यादा एफिनिटी है कार्बन मोनोऑक्साइड को रिएक्शन करने की हीमोग्लोबिन के साथ। तो ये क्या करता है, हमारे बॉडी बॉडी में जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है, ग्रेजुअली जो है डेथ होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। तो अगर किसी भी घर में हम क्लोज चैम्बर में कोई भी आग वगैरह जलाते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया गया, एंड वी कीप ऑल द विंडोज क्लोज, देयर इज चांसेस इंक्रीजिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। इस फिलहाल तो हम इन ब्रीफ डिस्कस करेंगे, एंड नेक्स्ट वी विल बी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ दीज पोल्यूटेंट्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो इन डिटेल हम पढ़ेंगे। बट फिलहाल हम सोर्स के बारे में पढ़ेंगे। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो बनाता है फोटोकेमिकल स्मोक भी, तो इसका जो सोर्स है, मेन सोर्स, दैट इज बर्निंग ऑफ गैसोलीन। तो इसमें क्या होता है, नाइट्रोस ऑक्साइड अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के साथ रिएक्शन करके ओजोन एंड नाइट्रेट्स बनाता है। बेसिकली व्हीकल्स से जो धुआं निकलता है, तो इसका कलर जो होता है येलोइश ब्राउन का, और स्मेल इसकी स्वीट होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की। तो उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड बेसिकली इंडस्ट्री से निकलता है कोल बर्निंग से। तो जो भी कोल फायरिंग इंडस्ट्री है या थर्मल पावर प्लांट्स है, जहाँ पे जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो ये भी ये रिएक्शन करता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन में। सनलाइट होनी चाहिए, फिर ओजोन बनाता है, सल्फेट्स बनाता है। तो इसके अलावा ये सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है विद वाटर, जो रेन वाटर है उसके साथ रिएक्शन करता है, एंड देन इट स्टार्ट्स गेटिंग एसिड रेन। एसिड रेन मीन्स के जो पीएच है 5.6 है रेन का, उससे कम अगर उसका पीएच हो गया, दैट विल बी कॉल्ड एन एसिड रेन। तो 2 BPH हुआ, मीनिंग दैट इज टू एसिडिक। तो यहाँ पे जब बर्निंग ऑफ कोल से निकलता है, एंड देन इट कैन कॉज, अब ये स्मोक भी प्रोड्यूस करता है, उसमें भी टाइप्स है, ऑक्सीडेटिंग स्मोक, रिड्यूसिंग स्मोक, वो भी हम आगे लेकर डिस्कस करते हैं। तो इसमें ग्रे ईयर स्मोक सा कलर होता है, एंड कलर ऑफ वाइट सूट, मीन्स कि जो थोड़ा सा वो सूटी जैसा जो उसका जो अपियरेंस होता है। तो सल्फर एंड नाइट्रोस ऑक्साइड जब दोनों मिलते हैं पानी के साथ, रेन वाटर के साथ, दे कैन कॉज एसिड रेन। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, नॉर्मली हमारे रेन वाटर का पीएच कम क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो तो नॉर्मल है वो तो वो, बट जब ये वाली दो गैसेस की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, तो एसिड की कंसेंट्रेशन भी इंक्रीज होती है। यहाँ पे नाइट्रिक एसिड है, यहाँ पे सल्फूरिक एसिड है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये कंट्रीब्यूट करता है, ये जो 5.6 नॉर्मल पीएच है ये डिक्रीज हो जाता है। तो इसमें फिर जो भी लाइमस्टोन से बने होंगे इमारतें या कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर बना होता है मार्बल वगैरह से, जो है ताजमहल होता है, तो वो रिएक्शन करता है इस एसिड के साथ, तो उसकी डिफॉर्मेशन हो जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये इसका जो है इंडिया में प्रोफाइल जो है, किस स्टेट में एसिड जो है सल्फर डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो एसिड रेन की भी कंसनट्रेशन वहाँ पे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं वेस्ट बंगाल झारखंड, तो यही एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कोल माइनिंग होती है। तो ये इट कैन बी रिलेटेड कि जहाँ पे कोल प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, वहाँ पे कंजप्शन भी ज़्यादा होती होगी, एंड वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा निकलती होगी। तो इसके अलावा जो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी इलनेस क्रिएट करता है, लीच टॉक्सिक फ्रॉम द पाइप्स एंड वाटर। जो मतलब जब भी एसिड जो सॉइल में गिरता है, उसका पीएच भी चेंज होता है, वहाँ से भी जो हार्मफुल मेटल्स होते हैं वो अवेलेबल फॉर्म में आ जाते हैं, तो प्लांट्स उसको जो है एब्जॉर्ब कर सकते हैं फ्रॉम देयर रूट्स, एंड इट कैन बी एक्यूमुलेटेड इन टू द लीव्स एंड अदर शूट पार्ट ऑफ द प्लांट्स। तो बिल्डिंग्स को डैमेज कर सकता है, तो एसिड की वजह से लीक्स में जो अल्मीनियम वगैरह और डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो हेवी मेटल्स है वो अवेलेबल हो जाते हैं इन एसिडिक कंडीशन में, इन सॉयल एंड वाटर। उसके अलावा प्लांट्स
में वीकनेस होती है, कंपोजिशन ऑफ मॉस, कंपटीशन विद द मॉसेस, मीन्स ये बेसिकली एसिड कंडीशन में कुछ बैक्टीरिया वगैरह, फंजे वगैरह एक्टिवेट हो जाते हैं एसिडिक कंडीशन में. तो इन लीचिंग ऑफ मिनरल्स, लीचिंग क्या होता है कि अपर लेयर से लोअर लेयर्स में जो मिनरल्स है परकुलेट हो जाते हैं, तो वो क्या होते हैं प्लांट्स के रूट्स के लिए वो अनअवेलेबल हो जाते हैं, मीन्स वो दैट सॉइल गेट्स इनफर्टाइल. एज यू नो द ओजोन इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज गुड ओजोन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन. द altitude of that ozone is around 11 to 25 kilometers, in between 11 to 25 kilometers. So that is called good ozone because it filters the ultraviolet radiation and it only allows ultraviolet A radiation that is beneficial for the production of vitamin D3 from the skin, and it gets accumulated and it's very good for the bones and that is beneficial. And it filters the ultraviolet radiation B and C because they have high frequency and high energy, and that can cause genetic modifications, genetic mutations, and it causes various impacts on humans like cancer, graying of hair, skin cancer kind of diseases. And also it has impacts on the plants and animals, and also on the infrastructure. But if we talk about the bad ozone, that is called a tropospheric ozone, because in most of the exams you will be asked what are the types of ozone, then you have to mention the good ozone and bad ozone, that is stratospheric and tropospheric ozone. So the ground level ozone is also called bad ozone or tropospheric ozone. That is produced because of the burning of the fossil fuels, and is also produced by the reaction presence of ultraviolet radiation in presence of the hydrocarbons and nitrous oxide. It produces ozone. Nitrous oxide is mainly produced by the vehicles, as you can see in the picture, the volatile organic carbons or hydrocarbons, and get reacted with the nitrous oxide or nitric oxide or dinitrogen oxide, which we collectively call nitrous NOx. Then, in presence of sunlight, which is basically the ultraviolet radiation, then it gets a reaction and it changes into and produces the ozone. And this ozone is very harmful for the plants and animals who are living on the earth, basically in the troposphere. So the main health impacts of the ground level ozone are the chest pain, coughing, throat irritation, congestion, chest congestion basically. And if any person is having the respiratory diseases like bronchitis or asthma, these diseases get worse by the ozone, presence of ozone in the troposphere. So these are the health impacts of the ground level ozone. But beside that, there is the environmental damage also. It damages leaves, it causes corrosis of, means basically discoloration of the green leaves, and that consequently and subsequently leads to the reduction in the crop yields. And another pollutant is lead. Lead is basically that is a source of industrial source waste incineration. Incinerators means they burn the waste products like the daily products which are accumulated or which are produced from the household or industries, which we burn to produce the electricity. Beside that, it is also present in the coal, and it gets into the atmosphere from that industrial sources. And also, some vehicles are using the tetraethyl lead to increase the efficiency of burning of the petrol or diesel. So, by the combustion of the petrol or diesel or gasoline, that also leads to the release of the lead into the atmosphere. So when it gets back into the atmosphere, it is a toxic, and
it gets accumulated in the bones, it produce neurological or nephrological diseases. Neurological means it attacks the brain or cerebral system of humans, and also kidney nephrological system. It damages the kidneys. It impacts the immune system and reproductive system. So these are the impacts of, in brief, what are the sources and impacts of the lead. Then another pollutant is that we call particulate matter. It's basically the burning of the coal. If we talk about the anthropogenic sources of the particulate matter, basically comes from the vehicles also. And it also comes from the fossil fuels, burning of the fossil fuels, maybe in the industries, maybe commercially, domestically, or in the vehicles or industries. Coal, from diesel, from other fuels also, the particulate matter is produces. Beside that, the dust which is produced, if you have observed, like in the countries which have less rainfall, they have less dust in the atmosphere. Like Indian subcontinent, which receives main rainfall in the month of June to September, so there is like 120 days of rainfall in India, so it supports a lot of vegetation. So by vegetation, plants grow and later on they die, but with the roots which grow in the soil, they make the soil loose. And subsequently, because of the wind, that dust gets transported from one location to another location, and it adds to the particulate matter in the atmosphere. Unlike in other countries where rainfall is less, like the Gulf countries, the sand quantity is more, but the dust is less. So the loose kind of soil is less in there beside the sand, because sand cannot be suspended in the, it cannot travel from farther locations. It stays in the atmosphere only for a moment, but the dust which had the particulate size less than 10 millimeters, like or 10 micrometers, that is thickness of a hair, or 2.5 millimeters, so it can be suspended into the atmosphere for a longer period of time. So that leads to the accumulation of the particulate matter in our respiratory tract by when we breathe. So that also produces some health impacts, like lung irritation, because in dust there are other pathogens also, because the dust surface, the particulate surface, carries various kinds of toxicants that might be chemical or biological. So it creates lung irritation, reduces visibility. If it can go in our eyes, it can reduce the visibility. And it can alter the nutrition balance and damage the crops, because when the dust, they carry the nutrients also from one location to another location by the wind. So it can damage the crops. How can it damage the crops? When the dust settle on the surface of the leaves, it reduces the photosynthesis and the yield of the crops decrease, or they die because of lack of sunlight. The another impact of the pollutants is the thermal inversion. Basically, there are two kinds of parcels of air in the atmosphere. One is cool, another is warm. The warm parcel is lighter than the cold parcel. Jo settle nahi hota hai niche, it travels to the higher elevations. So the cold parcel of air, patch of air, it's kind of stable and heavy. It settles down on the surface of land. So the pollutants get trapped in there. So the cool air is down and the warm air is up. So it's called a thermal inversion. The pollutants will not get mixed with the hot air, or it will not be transferred to the further location. So there is a dilution in the pollutants of
in the pollutants in the atmosphere. So that is a thermal inversion. Means this patch is cold air. It has the pollutants in it. Because of the thermal inversion, this parcel gets settled down and it will not be transported from to another locations. Same like in here. And this phenomenon is mostly observed in winters, because in winters the land is colder, so this patch will not be warmed by the land, or the sunlight is also less. So the thermal inversion is more prominent in the winters. So the pollution, air pollution problem, is more common in winters, you can see. Also in winters, there is, in after the autumn season, the harvesting season in India, particularly in Indian northern plains, Indo-Gangetic plains, when there is a harvesting of wheat, particularly in the states of Punjab, Haryana and Uttar Pradesh, they burn the crop residues. The crop residues are produced in lots of quantity. They cannot manage or feed to the cattle, and they cannot store that kind of crop residue. So they burn it so that they can prepare their land for next crop. So when the burning of the crop residues happen, it produces particulate matter, and that particulate matter, smoke and other pollutants, and it gets transported to other locations like plain areas like Delhi, which witnesses very harsh kind of pollution, particularly in India. And because of that, they have introduced the ORIM scheme, the vehicles which have the last digit, maybe it is odd, so it can run on odd days, and even can run on even days. So this was brief introduction about the various pollutants, but how can we reduce these pollutants? How can we detect? So if we talk about the carbon monoxide, it is an odorless gas. We cannot detect it by the nose. So we have to install carbon monoxide detectors at home so that we have the proper ventilation at home. Likewise, nitrogen oxides, we can reduce them by installing catalytic converters. Like in vehicles, we use platinum or plutonium as something like catalytic converter, which convert the nitrous oxide into the nitrogen NO2, so that they will not add the nitrogen oxides to the atmosphere. Similarly, in big industries which use fossil fuels or coal as a source of energy, we can install scrubbers on the smoke stacks where the smoke is released into the atmosphere. So basically, the scrubbers are of two types, maybe wet or dry. We will be discussing that detail, how can we control various pollutions by various means, strategies. So here I want to tell you in brief, we can install scrubbers, maybe a chemical, maybe a water, or it can burn the gas at the top of the stick. Then ozone, it is also controlled by reducing the amount of nitrogen oxide, because ozone is mainly produced by when nitrogen oxides get reaction with the volatile organic carbons or hydrocarbons, which are also released by the vehicles. So if we control this nitrogen oxide, automatically we can control the ozone also. So lead, we have to use unleaded petrol, unleaded gasoline too. So we have to enhance, or we have to replace our old vehicles which have two-stroke engines. Basically, the auto rickshaw, they use tetraethyl lead, that green kind of liquid, when they refuel their tanks at the petrol station. They use that kind of green kind of liquid that is called tetraethyl lead. So that can be replaced by four-stroke engines, and then we need not to use the tetraethyl lead. So by that, we can control the lead pollution into the atmosphere. Similarly, particulate matter, spray mines, like if you see, there are washeries in big thermal power plants, which basically make the coal wet, so that it cannot produce more dust.
And also for when the coal is burning in the furnace, so they also control the ashes which gets released from the smokestack, basically by spraying water or using the bag filters. Or there are many methods. Electronic precipitators are used, gravitation settlers are used. So we will be discussing that in detail. So next is what are the impacts of the air pollution on health? Because it is also a part of the first we discussed about the source of air pollution. Now, what are the consequences of air pollution? So air pollution may be indoor as well as outdoor. So indoor pollution is how some kind of products which are used at home, they also create an air pollution, like the burning of fuel like wood, cow dung, cakes or coal, which can be used at domestic level, or maybe the presence of some biological agents, like in some houses the rooms are not well ventilated, so the walls are damp and they give a damp kind of smell, and that will be presence of spores, and that can create various kind of diseases and allergies. That is also indoor kind of pollution. And most common, which almost happen in every household, that is a cigarette smoking. One of the family members might be smoking, like our brothers, father, or any guest which come at home, they can be smoking, and the smoke of the cigarette have thousands of hydrocarbons like benzene, benzpyrene. That is the carcinogenic. That is also an indoor pollution. And other kind of the like glass manufacturing industry, asbestos industry, cotton industry, that also produce some kind of the fibers which can suspended into the air and get trapped in the nasal tract. That also serves as an indoor pollution. Then aerosols and deodorants, that deodorants we use at home, they also can cause the allergies and lead to the air pollution, indoor air pollution. Then some kind of rubber-baked carpets, some carpets we use that releases the dust which contains cadmium. That is also a heavy metal and that can also create a problem. Then plyboards that have formaldehyde pollution. So these are all indoor pollutions which can impact. Like the outdoor pollution, we don't have much to do about that at individual level, but for indoor pollution we can do a lot to control, like the things I have mentioned. How can we control these, and what are the types of the indoor pollutions, and there is similarly a strategy how can we control. Like we should have a proper ventilation at home, we should stop cigarette smoking, and we should have a separate kind of, if we are using an industry like cotton industry or asbestos, yeah, flour mills, glass industries that can cause serious health, they should be in proper ventilation. Beside that, the indoor pollution, some specific pollutants that creates a problem, like tobacco smoking that I have already discussed it. Biological agents, volatile organic carbons like the deodorants and other kind of perfumes we use, maybe the allergen, they can cause headache, nausea, a lot of loss of coordination. Formaldehyde, I have discussed it, is present in the plyboard. It can cause eye irritation, nose, and cause allergy in some people. Beside that, radon, it is basically used in the construction, like it is already present in the soil and rocks, and when we construct a house, it gets accumulated in our walls, and it also can release the radiations, and that if the concentration of radon increases, it can cause lung cancer. And ozone, I have told, it can cause eye itching, burning, or watering of the eyes, and it can also cause respiratory disorders like asthma, and it lowers our resistance to cold and pneumonia. Means our resistance or immunity towards cold and pneumonia is decreased by the ozone.
means if a COVID-19 patient is exposed to the ozone, his or her death is inevitable. So he or she can die instantaneously. So beside that, the oxides of nitrogen is susceptible to various respiratory disease, particularly in winters. Then here carbon monoxide, I have discussed earlier also. It has 210 times more affinity to get binding with the hemoglobin. So it can reduce the oxygen supply to the vital organs like brain, which can cause instantaneous death and can cause cardiovascular system arrest and means cardiac arrest, and it can have a problem with the developing fetus in the pregnant ladies. And also sulfur dioxide, which I have mentioned, like the health effects beside the producing the acid rain, it can cause wheezing, lung disorders, shortening of breath. And if the combination of sulfur dioxide is with the particulate matter, suspended particulate matter, it can aggravate the problem. This is a table basically, which I have told all is summarized in the table. What are the main pollutants? What are their physical and chemical characteristics? And what are their sources? And what are their health impacts? And overall, on larger level, what impacts they can produce? Like carbon monoxide, it can cause headache, reduction in mental alertness, heart attack, cardiovascular diseases, impaired fetal development, and death. Because you should be learning these questions in very detail. Because recently, the entrance PG entrance exam is going on for the University of Kashmir, and these questions are commonly asked because environmental studies is part of every entrance test. 10% questions will be asked in any, might it be for the arts, commerce, or medical, non-medical. Agar aap arts ke bhi hai, then you also have to study the environmental science, environmental studies, because these questions are general knowledge questions. So what are the impacts of the carbon monoxide? And it can also lead to the formation of smog, sulfur dioxide, eye irritation, wheezing that I have discussed, and then nitrogen oxides, dioxides. It can also cause lung and respiratory like symptoms like coughing, chest pain, difficulty in breathing. And ozone is also similar to the nitrogen oxide, lead. It can cause anemia, reduction in the hemoglobin, and lowering of blood pressure, high blood pressure. It can increase the blood pressure, brain, kidney, and nephrological damages. And it reduces the IQ of a person. Particulate matter, it can cause eye irritation, asthma, bronchitis. These are the health impacts of the various pollutants. The last few slides, which I want to discuss about you, there are two types of smog. Smog is smoke plus fog. When these two mix up, they produce smog. There are two types of smog. First is industrial smog, that is the source from the burning of coal and oil that contains basically sulfur dioxide. So it mainly consists of sulfur dioxide, sulfur trioxide, soot, ash, particulate matter, and sulfuric acid. And basically, it is a concoction of various chemicals. So it is very dangerous. Beside having the physical impacts, like it impairs the visibility, it reduces the visibility, it has also other impacts. It causes breathing difficulties in humans, plus acid rain, damage plants and aquatic ecosystem, metal monuments or stone objects. And it has been common problem in London and Chicago with industrial smoke. So how can we reduce? Using alkaline scrubbers, alkaline basically which have lower pH, like containing the calcium and magnesium, so which can react with the sulfur dioxide, like calcium when reacts with the sulfur dioxide produce kind of which is a product of in the marble, calcium sulfur hydroxide. And also electronic precipitators can be used by
capturing the particulate matter that can reduce the production of the smoke. Another is a photochemical smoke. It's basically the products which are released, like volatile organic carbons, hydrocarbon, nitrous oxide, which is released from the automobiles. And it mainly contains nitrous oxides, ozone, alkanes, peroxystyle nitrate, and other hundreds of substances. So what are the impacts of PAN? Basically, PAN is all the chemicals which produce this peroxystyle nitrates, and it can cause watering of eyes, damage plants, ozone. Yet also, the concentration of ozone is also very high in photochemical smoke, and it can cause eye irritation, deteriorates rubber and plant. Basically, ozone, when gets reacted with the rubber, it damages the rubber, and can cause also acid rain. So in industrial smoke, the major component is sulfur dioxide, and in photochemical smoke, major component is nitrogen oxides. You should remember this. And first, it was observed in Los Angeles in 1940s and in Manila, Mexico City. And it can also be reduced by using catalytic converters, which reduce the nitrogen oxide to nitrogen. And usse kya hota hai? It reduces the production of NOx and creates more carbon monoxide and hydrocarbons. Means when we convert this nitrous oxide in nitric oxide, it reduces the production of NOx, but it creates more carbon monoxide and hydrogen, because it leads decrease the capacity of an engine to burn the this high fuel efficiently.